नमस्कार, सीएसके न्यूज में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर निकल के आ रही है। यूएनएससी में भारत ने अध्यक्ष पद संभाला और फिर कर दिया बड़ा ऐलान। आतंकियों को लेकर मचा आतंकियों में हड़कंप। अफगानिस्तान में तालिबानी आतंकियों और आतंकी शिविरों को लेकर भारत ने बड़ा ऐलान कर दिया है। खास करके यूएनएससी में अध्यक्ष बनते ही, अध्यक्षता मिलते ही भारत के ऐलान से बिलबिलाए हैं दुनिया भर के आतंकवादी। जी हाँ, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने अगस्त महीने के लिए एक महीने के लिए अध्यक्ष बने भारतीय राजदूत टीएमसी त्रिमूर्ति ने कहा है कि अफगानिस्तान की स्थिति सुरक्षा परिषद के सभी सदस्यों के लिए गहरी चिंता का विषय है। उन्हें चेतावनी दी है कि हम अफगानिस्तान में आतंकी शिविरों को फिर से पनपने नहीं देंगे। यह बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। भारतीय यूएन में भारत के अध्यक्ष बने टीएस त्रिमूर्ति ने स्पष्ट तरीके से जो कहा है उसे आपको सुनना चाहिए। उन्होंने कहा है कि हम अफगानिस्तान में आतंकी शिविरों को फिर से पनपने नहीं दे सकते हैं, क्योंकि इसका सीधा असर न केवल भारत पे पड़ेगा बल्कि उन तमाम देशों पे जो शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे हैं उन पर पड़ेगा। वर्तमान में 2021 और 22 के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य भारत ने अगले महीने के लिए संयुक्त राष्ट्र के शक्तिशाली निकाय की अध्यक्षता संभाली है। त्रिमूर्ति ने सोमवार को संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में कहा है कि अफगानिस्तान की स्थिति सुरक्षा परिषद के सभी सदस्यों के लिए गहरी चिंता का विषय है और हमने देखा है कि हाल ही के दिनों में हिंसा बढ़ रही है। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि त्रिमूर्ति ने संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट का हवाला दिया है, जिसमें कहा गया है कि मई जून के दौरान अफगानिस्तान में हताहतों की संख्या जनवरी और अप्रैल के बीच हताहतों की संख्या में बढ़ी है, यानी जिनकी बर्बरता से मौत के घाट उतार दिया गया है उनकी संख्या इन एक से दो महीनों में तेजी के साथ बढ़ी है और भारत की प्राथमिकता पहले से ही रही है, चाहे वो यूएन की अध्यक्षता संभालता रहा हो या फिर नहीं। उसके पहले भी आतंकी जैसे मुद्दे, आतंक और इस्लामिक टेररिज्म, पूरे दुनिया भर में प्रधानमंत्री मोदी इस मुद्दे को उठाते आए हैं और अफगानिस्तान के इस मुद्दे को यूएनएससी की अध्यक्षता संभालते ही भारत ने प्रमुखता से उठा दिया है, जिसके बाद से अब पूरी दुनिया भर के आतंकियों में तहलका मच गया है। आतंकी तो चिल्ला ही रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात कि उनके आका यानी आतंक के सरगना और आतंक के सरपरस्त भी पूरी तरीके से बौखलाए हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान पर सीधा अटैक यूएनएससी के अध्यक्ष का रहा है और उन्होंने कहा है कि फिलहाल इसे जो पालेगा आने वाले समय में शांति समझौते के लिए न केवल भारत के लिए बल्कि दुनिया भर के देशों के लिए भारी पड़ेगा, क्योंकि हम अफगानिस्तान में आतंकी शिविरों को फिर से पनपने नहीं दे सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बातचीत करते हुए उन्होंने कहा है, अफगानिस्तान की स्थिति और हिंसा में वृद्धि को रोकने के लिए सुरक्षा परिषद जो कर सकती है वो करेगी। इस सवाल के जवाब में त्रिमूर्ति ने स्पष्ट कर दिया है कि उम्मीद है कि संभवतः सुरक्षा परिषद अफगानिस्तान के संबंध में पहलू पर जल्द गौर करेगी। उन्होंने कहा है कि जहां तक भारत की बात है, नई दिल्ली ने बहुत स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि हम एक स्वतंत्र, शांतिपूर्ण, लोकतांत्रिक और एक स्थिर अफगानिस्तान देखना चाहते हैं। भारत ने अफगानिस्तान में शांति, सुरक्षा और स्थिरता लाने वाले हर अवसर का समर्थन करता है। त्रिमूर्ति ने कहा है कि हम आश्वस्त किए हैं कि हमें हिंसा और लक्षित हमलों के सवाल का समाधान करना चाहिए और ये बहुत गंभीर चिंताएं भी हैं, तथा सभी तरीके की हिंसा खत्म होनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से भी जुड़ाव खत्म करने चाहिए। हम एक बार फिर से अफगानिस्तान में आतंकवादी शिविर पनपने नहीं दे सकते हैं और इसका सीधा असर भारत पर पड़ेगा। त्रिमूर्ति ने चिंता जताई है कि लक्षित हमले बढ़ रहे हैं और महिलाओं, लड़कियों तथा अल्पसंख्यकों को सुनियोजित रूप से निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि समावेशी अफगान नेतृत्व वाली, अफगान स्वामित्व वाली और अफगान नियंत्रित प्रक्रिया के माध्यम से एक स्थायी राजनीतिक समझौता अत्यंत महत्वपूर्ण है। युवाओं के अल्पसंख्यकों और महत्वाकांक्षाओं को लेकर उन्होंने बड़ा बयान दिया, लेकिन यूएन में जिस तरीके से स्थायी अध्यक्षता संभालने के बाद अफगानिस्तान और आतंकवाद के मुद्दे को प्रमुखता से भारत ने जैसे ही उठाया है, एक बात तो ये मैसेज दे दिया है पूरी दुनिया में कि भारत कभी भी आतंकवाद के मुद्दे में हमेशा जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएगा, फिर वह चाहे कोई भी देश हो। दोस्तों, अगर आप भी भारत की इस नीति और भारत की अध्यक्षता का समर्थन करते हैं, इस वीडियो को लाइक करें। एक और खबर ले लेते हैं, जहां तालिबान गा रहे इमरान खान को अब भारी पड़ गया। अफगानिस्तानियों ने ही पाकिस्तानी संसद के पास लहरा दिया अफगानिस्तान का झंडा और बता दिया कि तुम तालिबानियों का समर्थन करोगे तो हम पाकिस्तान पर चढ़ाई कर देंगे। जी हाँ, दरअसल अफगानिस्तान में तालिबानियों को सत्ता में लाने के लिए पूरी ताकत लगाए बैठे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान और सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा को अपने ही देश में बड़ा झटका लगा है।
पाकिस्तान का दिल कहे जाने वाले राजधानी इस्लामाबाद में युवाओं के एक दल ने रविवार को संसद के पास स्थित लेक व्यू पार्क के अंदर अफगानिस्तान का राष्ट्रीय झंडा लहराना शुरू कर दिया। इस घटना के सामने आने के बाद पाकिस्तानी सुरक्षा एजेंसियां चौकन्ना हो गई हैं। जिस तरीके से अफगानी झंडा लहराया गया है, वहां से कुछ ही दूर पे समेत देश की कई महत्वपूर्ण सरकारी इमारत स्थित है। बताया जा रहा है कि युवा तालिबान का सफ़ेद झंडा भी लहरा रहे थे। डॉन अखबार के सूत्रों के हवाले से कहा है कि 20 से 25 युवाओं का समूह शाम को अफगानिस्तान और तालिबान के झंडे के साथ फोटो खिंचवा रहे थे। सूचना मिलने पर पुलिसकर्मी मौके पर दौड़े और युवाओं के साथ पूछताछ भी की। पुलिस ने इस मामले में अभी कोई मामला नहीं दर्ज किया है। पुलिस ने माना है कि पार्क के अंदर अफगानिस्तान और तालिबान के झंडे लहराए गए। आपको बता दें कि अफगानिस्तान में जारी जंग में बड़ी संख्या में पाकिस्तानी मदरसों के जिहादी भी पहुंचे हैं। कई जिहादी अफगानिस्तान सेना के साथ जंग में मारे भी गए हैं। इन्हीं बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में दफनाया गया है और इस दौरान तालिबानी आतंकी भी मौजूद रहते हैं। यही नहीं, पाकिस्तानी सेना की एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लेख करते हुए अफगानिस्तान के सरजमी पर गोलीबारी की और इस गोलीबारी में अफगानिस्तान के एक नागरिक घायल भी हो गए हैं। तो दोस्तों, इन हालातों के बीच जिस तरीके से अफगानिस्तानियों ने बड़ी पैमाने पर पाकिस्तान के संसद के बाहर झंडे फहरा दिए हैं, झंडे गाड़ दिए हैं, उसके बाद से इमरान खान को शर्म करना चाहिए, क्योंकि इमरान खान लगातार इस बात को, खास करके सबसे बड़ी बात यह है कि इमरान खान समर्थन करता रहा। इमरान खान जो है वो तालिबानियों का हमेशा समर्थन करता रहा है। यही कारण है कि उन पर भारी पड़ती नज़र आ रही है। और अब सबसे जो बड़ी बात ये है कि वो अब सीधा सीधा भारत की बात करें तो भारत ने जैसे ही फटकार आतंकियों को लगाई है, अफगानिस्तान भी कहीं ना कहीं तरीके से अब राहत की सांस ले रहा है कि कम से कम चलो कोई दुनिया की किसी भी विश्व बिरादरी पे अफगानिस्तान में तालिबानों के प्रताड़ना का मुद्दा तो उठ रहा है। इसको लेकर अफगानिस्तान ने भी भारत को धन्यवाद कह दिया है। उन्होंने कहा है कि अच्छी बात है, भारत ने अफगानिस्तान में बढ़ते तालिबानों के मुद्दे को उठाया है, इसके लिए हम उनका शुक्रगुजार हैं, क्योंकि यूएन की अध्यक्षता तो कई देशों ने किया दोस्तों, लेकिन आतंकवाद को सबको लगता है कि आतंकवाद का कोई कहीं ना कहीं तरीके से आतंकवाद कोई बड़ी समस्या नहीं है, ऐसा लोगों को लग रहा है। लेकिन अब जिस तरीके से आतंकवाद के मुद्दे पर घिरती नज़र आ रही हैं दुनिया भर की तमाम देश, और सबसे बड़ी बात की अध्यक्षता संभालते ही आतंकवाद के मुद्दे पे बड़ा प्रहार किया भारत ने, तो अब सबको आतंकवाद दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, फिलहाल जिस तरीके से पाकिस्तान में अफगानिस्तानियों ने बड़े पैमाने पे झंडे गाड़ दिए हैं संसद में घुसकर, और तालिबानियों पर जिस तरीके से बर्बरता तालिबानी कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि यूएन ने जिस तरीके से तालिबानी और आतंकवाद पर प्रहार किए, इसे आप कैसे देखते हैं? अगर इसका समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। फिलहाल